press the bell icon for all updates. सबके दिल में ट्रेंड करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। वी आर नॉट एक्चुअली, हम तीनों में से किसी को नंबर्स का शौक नहीं है, हमें यही शौक है कि हमारी ऑडियंस हमें प्यार करे और हम हमारा बेस्ट दें हमारी ऑडियंस को, सेट दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। आप दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, काफ़ी अलग था। मैं जो फर्स्ट टाइम डांस करते नजर आए इस सॉन्ग में, से पहले कोई सॉन्ग में नहीं नजर आए थे। हाँ, और मेरा डांस भी फर्स्ट टाइम ही था, मैंने इससे पहले कभी डांस किया भी नहीं था, तो किया हो अच्छा किया हो और लोगों को अच्छा लग रहा है और कमेंट में भी पता चल रहा है, लोगों को अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा डांस करने की कोशिश करूँगा। जनता, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने बहुत मज़े किए, क्योंकि सबको ऐसी कोई ऑर्डिनरी शूट नहीं था। आप रोज़ रोज़ हर दिन ना या कोई भी सॉन्ग में नई पेन पे चढ़कर आपको डांस करते हो और बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई हमारे साथ, बहुत मज़ा आया। हम चौकट पे बैठे और वहाँ पे हर मतलब ही हम बना सकते थे, अच्छे अच्छे वीडियो में किसी के पास फोन नहीं था, तो उसकी हमारी मेमोरी रह गई। और एक बार तो ये उतर गया था और उसको पता नहीं था मैं उसी साइड से उतर रही, उधर दरवाज़ा बंद कर दिया मेरे पैर पे। सो वी हैड सो मच टू, बट तुमने तो जोर से बंद किया था ना, इसको लगा मैं दूसरे साइड से उतरूंगी। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वी हैव सो मच टू थिंक एंड लाफ अबाउट, बिकॉज वी मेड सो मेनी मेमोरीज, गुड मेमोरीज, फनी मेमोरीज, दैट आई विश वी वर्क अगेन। ओके, जब आप ये जानना चाहेंगे कि ये बार फैजू को डांस में कितना हेल्प किया? फर्स्ट टाइम एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही, लेकिन इस बार डांस में कितना हेल्प किया? तो ज़्यादा आई डोंट थिंक मैंने इसको हेल्प किया, क्योंकि जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तब तक फैजू सीख चुका था डांस। आर्मेनिया में मैंने सीखना स्टार्ट किया था और तब मैं जाके देख रही हूँ तो फैजू तो डांस ही कर रहा हूँ, सब याद है उसको। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि नहीं, हम हमेशा कुछ अलग करते हैं। तेरे बिन किए में भी अलग किया था, आज फूटी लगती है में भी अलग किया है। कोशिश यही रहेगी कि हम सब जब वापस जुड़े फिर से, तो हम वापस आपके लिए एक नया एक नज़ारा लेके आए, एंड पूरी कोशिश रहती है कि हम कुछ अलग करें। सो आई थिंक यू मस्ट बी सीइंग ऑल द वीडियोज़ वी डू एट यूनाइटेड वाइट फ्लैग, ये सबसे अलग लगा होगा आपको। सो इसमें हमने बहुत ही ग्लैम और बहुत ही एक क्यूट लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की। तो आज ये क्यूटा हो गए, ये हो गए हैं फ्रूटी। कुछ कुछ तो होगा फ्रूटी के पीछे सोचने के लिए। सी लाइक इट्स ऑलवेज लाइक यू नो यू ये बहुत क्यूट है, वो क्यूट है, तो ये भी तो क्यूटा है, सो दैट्स द काइंड ऑफ। ओके, एनी बेस्ट मेमोरी यू बोथ वुड लाइक टू शेयर? बेस्ट मेमोरी, आई डोंट थिंक आई हैव एनी बेस्ट, बट आई थिंक दैट वाज द फनीएस्ट थिंग ही डिड टू मी। मैं निकल रही थी एंड ही बैंग्ड द डोर, बट यू नो दैट वाज फनी एंड आई थिंक मुझे अभी एकदम से याद आ गया, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। अदरवाइज बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थे हमारे साथ। सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर और यू रिमेंबर? मतलब शूट कर रहे हो तो ऐसा लग रहा नहीं था, हम शूट पे गए हैं पैसों। ये सॉन्ग में यू नो हर सॉन्ग लॉन्च का
नहीं मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने डांस किया तो थोड़ा मैं नर्वस था कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं, तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कमेंट में भी पता चल रहा है कि मतलब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मेरा डांस, तो इंशाल्लाह और अच्छा डांस करूँगा। ओके, लास्ट ही जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। जैसे इतना प्यार अभी तक किया है, आज पूरा दिन में दिया है, वैसे ही यूपी को आने वाले बहुत सारे दिनों में देते रहिए और हम आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट और अच्छे वीडियोस ला रहे हैं। सब इन्होंने कह दिया। नहीं, प्लीज गो एंड शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग। Thank you.